मुझे कॉलेज जाना है। आई एम टू गो टू कॉलेज। आई के साथ एम टू का प्रयोग करेंगे। हमें आज दिल्ली जाना है। वी आर टू गो टू दिल्ली टुडे। वी यू दे प्लुरल नंबर के साथ आर टू का प्रयोग करेंगे। अनिल को अंग्रेजी सीखनी है। अनिल इज टू लर्न इंग्लिश। सिंगुलर नंबर के साथ ही सी इट या किसी नाम के साथ इज टू का प्रयोग करेंगे। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू वेरी एक्सीलेंट यूज ऑफ इज टू एम टू आर टू। जब हिंदी वाक्य में ना है नी है ने है आता है, कोई काम करना है, खेलना है, पढ़ना है, देखना है, तब इज टू एम टू आर टू का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। ही सी इट वे सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ इज टू लगाते हैं। वी यू दे वे प्लुरल नंबर के सब्जेक्ट के साथ आर टू लगाते हैं और केवल आई के साथ एम टू लगाते हैं। आई एम गोइंग टू टेल यू सम मोर एग्जाम्पल। उसे कपड़े धोने हैं। सी इज टू वॉश द क्लोथ्स। हमें बाजार से फल खरीदने हैं। वी आर टू बाई फ्रूट्स फ्रॉम द मार्केट। मुझे आज पुणे जाना है। आई एम टू गो टू पुणे टूडे। वेरी एक्सीलेंट यूज ऑफ इज टू एम टू आर टू। जब हिंदी वाक्य में ना है नी है ने है आता है, तब इज टू एम टू आर टू का प्रयोग करते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे। हैव ए वेरी नाइस डे।